ये क्वेश्चन जो है सिंगल लूप से बन सकता है ना। देखो एग्जैक्टली क्या है, मैं यहाँ पे करंट शो जो कर रहा हूँ उसके भी यहाँ पे बना सकते हैं अपन। यहाँ पे दिख रहा है कि ना यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो है और यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो है, ठीक है। तो उस भी आप पे अगर इस सर्किट का टोटल अगर करंट जो अपर सर्किट है ए बी सी डी वाला जो सर्किट है, अगर इसका अगर टोटल करंट अगर पता चल जाए ना तो क्वेश्चन को इजिली क्रिक किया जा सकता है, क्योंकि अपने को इसका ई एम एफ निकालना है, ठीक। तो इसका करंट निकालने के लिए इस ब्रांच का करंट तो कन्फर्म है कि 1 एम्पियर है, इस ब्रांच के करंट को पता नहीं चल रहा। अगर इस पॉइंट का अगर मैं जंक्शन लॉ लगाते हैं, इस पॉइंट में अगर जंक्शन लॉ लगाते हैं तो जंक्शन लॉ कहाँ पे लगा रहे हैं अपन, जंक्शन लॉ। अगर जंक्शन लॉ इस जगह पे लगाएंगे तो आई क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, और यहाँ से जो करंट फ्लो निकल रहा है वो 1 एम्पियर करंट निकल रहा है, और यहाँ से जो नीचे निकल रहा वो 2 एम्पियर करंट निकल रहा है। मतलब आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर का करंट है। मतलब ये समझ में आएगा कि आई के पास जो होगा वो 3 एम्पियर का करंट होगा। चलो ठीक है, अब इस पूरे ब्रांच का वैल्यू तो पता चल गया है ना, अब उसके भी आप पे सॉल्व किया जा सकता है। मान लो कि किसी भी क्लॉक ले लो, एंटी क्लॉक लो, कैसे भी ले लो, बनाना चालू कर दो, तो अपने को पता है ना कि कैसे लेते हैं, याद होगा प्लस माइनस, फिर इधर से गया तो ये प्लस, फिर ये क्या होगा माइनस, तो इसके भी आप पे चालू करते हैं, यहीं से चालू कर देते हैं। ई जो होगा वो माइनस में है, माइनस टर्मिनल पे दिख रहा होगा अपन, ऐसे जब बढ़ते हैं तो फाइनल वाले को लेते हैं, और ये जो 12 वोल्ट जो है वो पॉजिटिव में, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा करंट के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, याद है ना, 2 इंटू 3, 3 से करंट 2 एम्पियर है। फिर अगर इधर चलते हैं तो इसका रेजिस्टेंस पता है कितना, वो भी माइनस में आ रहा है, -1 इंटू कितना हो जाएगा करंट कितना फ्लो रहा है 1, और अपने को ई तो निकाला, तो टोटल जो जो इस ब्रांच जो टोटल इस लूप का जो नेट ईएमएफ अपन कह ले रहे हैं 0 बाय यूजिंग केवीएल, किसके बेसिस में, केवीएल। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -E +12 -6 -1 इज इक्वल टू 0, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 7 5, कितना हो गया 5, तो ई इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो आंसर इसका जो होगा इज इक्वल टू 5 वोल्ट होगा। ओके, और भी अगर डाउट हो तो प्लीज सेंड करो, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं